नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन में। आज हम देखने जाने वाले हैं ओपनिंग ट्रैप्स। एक फेमस ओपनिंग ट्रैप है जिसका नाम है स्ट्रेंज डिफेंस ऑफ द रुई लोपेज ओपनिंग वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में एक ऐसी ट्रैप है जहां पे सिर्फ 10 या 11 मूव में विनिंग पोजीशन आ जाती है ब्लैक की। तो कैसे ये ओपनिंग ट्रैप हुई है उसके बारे में डीप में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ताकि आप भी कभी भी इस ओपनिंग में फंसे नहीं, क्योंकि ये सब नॉर्मल मूव्स होते हैं। स्टार्टिंग के e4, ब्लैक खेल रहा है e5, व्हाइट रिप्लाइज नाइट f3, पॉन पे अटैक, नाइट सी सिक्स डिफेंस, बिशप b5। यह है रुई लोपेज ओपनिंग का नाम। जब भी इतनी सिचुएशन आने के बाद बिशप b5 खेला जाता है तो ओपनिंग हो जाती है रुई लोपेज। मोस्टली यहाँ पे लोग a6 करते हैं। बिशप a4, बाद में d6, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है नाइट f6। मेन लाइन में आता है नाइट f6, लेकिन ब्लैक यहाँ खेल रहा है d6, व्हाइट खेल रहा है d4, b5, बिशप को मारने की थ्रेट है। एक ही जगह है बिशप को बचाने के लिए, बिशप b3, नाइट टेक्स d4, नाइट इंटू नाइट e इंटू d4, और यहां पे व्हाइट करता है मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, क्वीन टेक्स d4। इसकी वजह से व्हाइट को एक पीस लॉस होना पड़ा है। यहाँ पे अच्छी मूव थी, प्लेबल मूव थी व्हाइट के पास, एक तो c3 या फिर बिशप d5, ये दोनों मूव व्हाइट के लिए बेटर थी, लेकिन क्वीन इनटू d4 बहुत ही ब्लंडर मूव। ब्लैक यहाँ पे कर रहा है c5, क्वीन पे थ्रेट है, क्वीन कहीं और गई तो नेक्स्ट मूव में बिशप ट्रैप हो रहा है, बिशप के लिए कोई स्क्वायर नहीं। तो व्हाइट ट्राई करता है यहाँ पे दोनों पीस को सेव करने के लिए, क्वीन से रुक पे अटैक और यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट, लेकिन ये सिर्फ एक मूव सेव कर सकेगा। बट आफ्टर बिशप e6, क्वीन सी सिक्स चेक, बिशप d7, अगेन चेकमेट की थ्रेट, लेकिन इस बार ये रुक को क्वीन का सपोर्ट है इसलिए डबल अटैक नहीं है। तो ब्लैक सिंपली c4 एंड विंस दिस बिशप। तो ये थी ब्लैक की ट्रेड। एक और गेम देखते हैं दोस्तों, तारास ट्रैप बोलते उसे। चलिए कैसे होती है, आप ये सारी ओपनिंग की तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि कंपटीशन में आप अच्छी तरह से गेम खेल सको। e4, e5, नाइट f3, एन सी सिक्स, bb5, d6, d4, bd7, नाइट को पिन में से फ्री किया, nc3, ब्लैक रिप्लाइज नाइट f6, व्हाइट कैसल,
बिशप E7 दोनों का सिंपल डेवलपमेंट चल रहा है। अभी तो कोई ट्रैप जैसा दिखता नहीं है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसमें से बन जाती है ट्रैप। कई भी बार ऐसी होती है कि हमने ट्रैप देखी भी नहीं होगी, लेकिन हमारी गेम में कई बार ऐसे मूव हो जाते हैं कि या तो सामने वाला कुछ ट्रैप करता है या हम कर देते हैं, तो गेम से ही ट्रैप नई नई ट्रैप बनती रहती है। ब्लैक ने बिशप E7 किया, व्हाइट ने RE1 किया, ये नेचुरल मूव है। E1 सेंटर में किंग है तो जल्दी अटैक करने के लिए RE1 अच्छी मूव है। ब्लैक यहाँ कैसल करता है। कैसल मतलब थोड़ी मिस्टेक है, बिशप टेक्स C6, ब्लैक अपना पॉन स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए नहीं खेल रहा, इसलिए वो बिशप टेक्स C6 बिशप से ही मारता है। D into E5 आफ्टर क्वीन टेक्स D8 R A क्रॉस D8 N कैप्चर E5 ब्लैक बिशप टेक्स E4 कर रहा है, क्योंकि वो भी पॉन डाउन होना नहीं चाहता। उसे ब्लैक को लगता है कि अगर ये नाइट से बिशप मारेंगे, मैं नाइट से मारूंगा, रुक से नाइट मारेंगे तब मैं उसके बैकरेंग मेट कर दूंगा, मतलब पीछे की लाइन से चेकमेट करके बैकरेंग मेट कर दूंगा। बैकरेंग मेट का पूरा एक चैप्टर है हमारे पास जो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे बिशप टेक्स E4 आफ्टर नाइट इंटू E4 नाइट टेक्स E4 व्हाइट प्ले नाइट D3 एक्सरे अटैक ऑफ बिशप एंड नाइट। अब देखिए नाइट अगर ब्लैक मूव कर देता है तो रुक इंटू E7 बिशप मर रहा है, तो ब्लैक को कंपलसरी मूव है अपने नाइट को सेव करने के लिए F5। बट आफ्टर F3 ब्लैक अपने पीस को कैसे सेव करेगा, आप सोच के जवाब दे सकते हो। ब्लैक ट्राई टू एक्सचेंज द पीसेस, बिशप C5 चेक, नाइट इंटू C5 नाइट टेक C5 बट आफ्टर बिशप G5 ब्लैक ट्राई करता है पॉन को रुक को डबल करने के लिए, रुक D5 बिशप E7 दोनों पे अटैक है, रुक और नाइट पे। ब्लैक यहां रिप्लाई देता है RE8 बट आफ्टर C4 ब्लैक रिजाइन दिस गेम। क्यों रिजाइन कर रहा है ब्लैक, क्योंकि रुक पे अटैक आ गया, रुक यहां जाएंगे तो रुक इन तो रुक फ्री में मरेगा, ये लाइन में कहीं भी जाते हैं इधर आया या फिर इधर आया कोई भी जगह एनीवेयर नेक्स्ट मूवमेंट बिशप टेक्स C5। तो दोस्तों ये थी व्हाइट से एक ट्रैप जिसको टारास ट्रैप बोलते हैं। तो ये सारे ट्रैप्स अभी तक हमने जितने तीन चार लास्ट तीन या चार वीडियो से हम ट्रैप्स देख रहे हैं, वो सभी ट्रैप्स आप घर पे बार बार रिपीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपकी गेम बहुत ही सुधर जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुरुदास।